तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बनाएंगे हम कान्हा जी के लिए ड्रेस। और यहाँ पे देखिए, हमने ये जंप सूट 2 नंबर कान्हा जी को पहना के दिखाया हुआ है और बहुत अच्छे से कान्हा जी को देखिए फिट भी आ रहा है। साथ में हमने मैचिंग की कैप भी बनाई है और बहुत ईजी तरीके से बनाना आपको बताया, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और ये है हमारे 1 नंबर के कान्हा जी, ये हैं 2 नंबर कान्हा जी को। किस तरीके से आप कान्हा जी को बना सकते हैं ये जंप सूट, अगर इससे छोटा आपको बनाना है 1 नंबर कान्हा जी के लिए, तो आपने जैसे मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे जितनी भी चेन ली उसे 2 चेन आपको कम करनी है। सेम इसी मेथड से आप बनाएंगे, 1 नंबर कान्हा जी को आ जाएगा। और 3 नंबर कान्हा जी को किस तरीके से आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, मैंने वो भी बताया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, बना लेते हैं कान्हा जी के लिए ड्रेस। ये देखिए फ्रेंड्स, हम आज ऐसे मल्टी कलर की ऊन से ड्रेस बनाएंगे। ऊन हमारी सिंपल ही है और इसके साथ हम 3 mm का क्रोशिया हुक लेंगे। आप इसकी जगह कोई भी सिंपल ऊन ले सकते हैं। तो हमें देखिए सबसे पहले लूप बनाना है इस तरीके से, और ये क्रोशिया हुक में इस तरीके से डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसे खींचेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं खींचेंगे जिससे ये इतना टाइट ना हो जाए कि हमें बनाने में दिक्कत हो। इतना करना है कि हमारा क्रोशिया हुक अच्छे से मूव होता रहे। अब हमें देखिए यहाँ पे चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। अब देखिए हमने यहाँ पे 14 चेन टोटल ले ली हैं। इसके बाद हमें देखिए एक चेन हमारी क्रोशिया हुक में है, इसके बाद धागा लपेटेंगे और 1 2 2 चेन स्किप करेंगे और ये पहले 2 चेन निकालेंगे फिर 2 चेन निकालेंगे। इसी चेन में एक बार और हमें ऐसे करना है, 2 चेन निकाली पहले फिर 2 चेन निकाली, इसे हम डबल क्रोशिया कहते हैं। अब इसके बाद देखिए हमें नेक्स्ट चेन पे भी ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया करना है, एक बार किया एक बार और करेंगे। तो ये देखिए हमारा 1 चेन में 2 बार हमने डबल क्रोशिया कर दिया है। नेक्स्ट चेन में डालेंगे क्रोशिया हुक, इसके बाद फिर से हमें यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया करना है। इस रो में हमें सभी चेन में से 2 2 बार डबल क्रोशिया करना है और ये सभी चेन में से डबल क्रोशिया करके 2 2 बार रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है, सभी चेन में से 2 2 बार यहाँ पे डबल क्रोशिया हमने कर लिया है। अब इसके बाद देखिए हमें 2 चेन लेनी है, वर्क को टर्न करना है और इसके बाद जो नेक्स्ट चेन है हमारी उस पर 1 डबल क्रोशिया कर देंगे। देखिए 2 चेन का 1 डबल क्रोशिया ये हो गया, उसके बाद 1 और ये हो गई हमारी 3री चेन। तो यहाँ पे देखिए हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, पहले 1 डबल क्रोशिया किया फिर 2 और 3री चेन पे 2 बार। इसी तरीके से हमें यहाँ पे हर 3री चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया करना है। ये हो गया हमारा देखिए 2 चेन पे 2 डबल क्रोशिया। ये 3री चेन है तो इस पर 1 बार करेंगे और इसी चेन पर 1 बार और कर देंगे। तो सभी 3री चेन में से हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये रो कंप्लीट हो गया है। अब हमें देखिए इस रो पे स्लिप बनानी है। ये रो आप ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट चेन पे 2 चेन ले लिए, 1 डबल क्रोशिया इसे काउंट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन पे 1 डबल क्रोशिया लिया, नेक्स्ट चेन पे 1 डबल क्रोशिया लिया, नेक्स्ट चेन पे भी 1 डबल क्रोशिया लिया। तो देखिए हमने यहाँ पे 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया लिया 4 चेन पे। इसके बाद हमें स्लिप बनानी है, 1 2 3 4 5 6 6 चेन छोड़ेंगे और 7वीं चेन पे 1 डबल क्रोशिया कर देंगे। अब हमारा ये 1 डबल क्रोशिया बैक साइड में काउंट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट चेन पे 1 डबल क्रोशिया लिया, 2 डबल क्रोशिया हो गया हमारा यहाँ पे, ये 3 4, नेक्स्ट पे 5 6 7 8 और ये 9, ये हमने 9 डबल क्रोशिया कर दिया। अब हमें फिर से स्लिप के लिए 1 2 3 4 5 6 6 चेन छोड़ के 7वीं चेन में 1 बार डबल क्रोशिया करना है। अब देखिए नेक्स्ट चेन में हमने फिर से 1 डबल क्रोशिया किया, 2 डबल क्रोशिया हो गए हमारे यहाँ पे,
फिर हमारा नेक्स्ट चेन पे एक डबल क्रोशिया करना है। और देखिए स्टार्टिंग की जो दो चेन लेते हैं इसको हमें स्किप नहीं करना होता है, ये भी एक डबल क्रोशिया काउंट होता है, तो इसकी जो दूसरी चेन होगी उसमें से भी एक बार हम डबल क्रोशिया लेंगे। कुछ लोग ऐसा करते हैं ये वाली जो दो चेन होती है दिखती नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं, तो इससे मेजरमेंट में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो ये हमारी देखिए यहाँ पे चोली बन के रेडी हो गई है। अब हमने यहाँ पे एक रो सीधे सीधे बनानी है, दो चेन लेनी है और देखिए नेक्स्ट चेन में डालेंगे क्रोशिया हुक और एक हार्डल क्रोशिया करेंगे। तीन चेन ली एक साथ उतार दी, फिर नेक्स्ट चेन पर डालना है, तीन चेन है तीनों को एक साथ उतार दिया, इसे हार्डल क्रोशिया कहते हैं। तो हमें सभी चेन में से एक एक बार हार्डल क्रोशिया यहाँ पे कर देना है। तो चलिए मैं रो कंप्लीट कर लेती हूँ सभी चेन में से हाफ हार्डल क्रोशिया लेके। ये देखिए फ्रेंड्स हमने ये इतना कर दिया है हार्डल क्रोशिया करके। अब नेक्स्ट रो बनानी है हमने, यहाँ से दो चेन लेनी है, दो चेन लेने के बाद जो नेक्स्ट चेन है हमारी देखिए उस पर हमें डबल क्रोशिया करना है, फिर नेक्स्ट चेन पे भी डबल क्रोशिया करना है। हमारी ये तीसरी चेन है, तो तीसरी चेन पे हमने यहाँ से तीन डबल क्रोशिया ले लिया एक एक चेन पे। जो चौथी चेन है हमारी उस पर हमने एक बार डबल क्रोशिया लिया, इसी चेन पे एक बार और लेंगे। चौथी चेन पे हमने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया इंक्रीज़ किया है, फिर नेक्स्ट चेन पे डालेंगे एक डबल क्रोशिया किया, ये दो डबल क्रोशिया किया, ये तीन डबल क्रोशिया किया और ये चार। तो हमारी चौथी चेन है इस पर हम एक डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे, हर चौथी चेन में से ऐसे ही हमें डबल क्रोशिया इंक्रीज करना है। ये देखिए फ्रेंड्स हमने ये रो कंप्लीट कर दी है। अब हम देखें यहाँ पे कितने डबल क्रोशिया हमारे पास, ये चार, चार आठ, बारह, चार सोलह और ये बीस, टोटल हमारे यहाँ पे बीस डबल क्रोशिया हैं। नेक्स्ट रो पे देखिए हमने दो चेन ली, दो चेन लेने के बाद नेक्स्ट चेन में डाला एक डबल क्रोशिया किया, उसके बाद नेक्स्ट चेन में डाला एक डबल क्रोशिया किया। अब हमें ये 20 डबल क्रोशिया हैं तो यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमारे चार डबल क्रोशिया बन गए हैं, ये पाँच, छ, सात, आठ, नौ और ये 10। हमने यहाँ पे देखिए दो, चार, छः, आठ, दस, दस डबल क्रोशिया ले लिए हैं। और इसके बाद ये हमने इस साइड से छोड़ देना है, एक चेन लेनी है और एक चेन लेने के बाद जो नेक्स्ट चेन है देखिए उस पर एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे, फिर नेक्स्ट चेन पे एक सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे एक चेन ली है, एक चेन लेने के बाद नेक्स्ट चेन पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन पे एक सिंगल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया, सभी चेन में से हमें सिंगल सिंगल क्रोशिया लेना है और ये रो कंप्लीट करनी है। तो ये देखिए हमने सभी चेनों में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया कर दिया है, बस हमारा यहाँ पे इतना हो गया। यहाँ से हमें बस धागा कट करके निकाल देना है। ये देखिए हमारा एक रो हमने चोली के बाद बनाई है और ये एक डबल क्रोशिया की और एक सिंगल क्रोशिया की रो हमने यहाँ नीचे बनाई है। अब इतना करने के बाद इस साइड से हमें स्टार्टिंग वाली जो चेन है उसमें से क्रोशिया हुक डालना है और यहाँ से धागा अपना डाल के इस तरीके से यहाँ से भी एक हमें डबल क्रोशिया की रो कंप्लीट करनी है। ये हमने एक और ये दो, दो चेन ले ली और बस हमें दो चेन लेने के बाद सभी चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया कर देना जैसे हमने दूसरी साइड से किया है। ये वाली रो हम डबल क्रोशिया से करेंगे, यहाँ तक करेंगे, यहाँ तक हमारी चेन है तो इसके बराबर वाली चेन तक करेंगे, हमें डिवाइड करके बनाना है आधा इधर आधा इधर। तो हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया की रो बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया की, बस यहाँ से धागे को कट करके निकाल देंगे। चलिए मैं इतना कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ये कंप्लीट कर लिया। अब हमें देखिए इसे स्टिच करना है, ये हमारा सीधा हिस्सा है, इस तरीके से हमें इसे उल्टा करके स्टिच करना है। बस हमें ये एक रो जहाँ तक हमने बनाई है नीचे की कट है, जहाँ से यहाँ से यहाँ से बस एक हिस्सा हमें ये जो डबल क्रोशिया का और सिंगल क्रोशिया का है इसे स्टिच करना है। दोनों साइड को पकड़ेंगे
और ये दोनों साइड की चेन पकड़ते हुए हमें यहाँ पे स्टिच कर देना है। किनारी से अच्छे से नॉट लगा देंगे एक बार, और ये यहाँ से इस तरीके से स्टिच कर देना है। बस ज़्यादा नहीं करना, जहाँ तक हमारा ये नीचे वाली रो हमने बनाई थी वहीं तक हमें स्टिच करना है। ये कर दिया अब हमने, और ये वाला एक्स्ट्रा धागा हमें यहाँ से कट कर देना है। फिर ये दूसरी साइड वाली पट्टी है, उल्टा करके स्टिच करेंगे, सीधी साइड से नहीं करेंगे। और अब हमें यहाँ से ये वाली साइड का जो ये नीचे वाला बॉटम वाला हिस्सा है इसको स्टिच करना है। देखिए बहुत ज़्यादा स्टिच नहीं करना, बस हमारी एक डबल क्रोशे की जो रो है और एक सिंगल क्रोशे की वहीं तक हमें स्टिच करना है। देखिए दोनों साइड से चेन पकड़ेंगे ऐसे और इसे स्टिच करना है। और ये वाला धागा अब हमारा आप काट सकते हैं। बस हमें यहाँ से नॉट लगा देनी है इस तरीके से। ये नॉट लग गई, नॉट लगाने के बाद धागे को कट करके निकाल देना है बस। अब हमें इसे सीधा कर देना है। तो ये देखिए हमारा कानाची का जंपसूट बन गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे जंपसूट बन के रेडी हो गया है। बना लेते हैं कानाजी के लिए अब कैप। ये देखिए कैप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 16 चेन लेके सीधी सीधी यहाँ पे पट्टी बनाई है। 16 चेन ली है, स्टार्टिंग में दो चेन स्किप करके, और ये तीन रो बनाई है डबल क्रोशे की। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 चेन ली थी, दो चेन स्टार्टिंग में स्किप करी, तो यहाँ पे हमारे 14 डबल क्रोशिया आ गए हैं। अब हमें देखिए कैप को भी स्टिच करना है। कैप को स्टिच करेंगे देखिए इस तरीके से। बस हमें किनारी से इस तरीके से पहले तो लॉक कर देना है। ये हमने यहाँ से लॉक कर दिया। फिर दोनों साइड से चेन लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से सीधा सीधा स्टिच करना है। और ये देखिए ऊपर हमारे पास यहाँ पे चेन चेन है, तो हमें देखिए एक चेन छोड़नी है, एक चेन में से सुई निकालनी है। जैसे हम कच्चा करते हैं, एक चेन में छोड़ेंगे, एक चेन से निकालेंगे। इस तरीके से करते हुए हमें बिल्कुल किनारी तक आना है जहाँ से स्टार्ट किया था। अब हमारा यहाँ पे कच्चा हो गया। अब हमें बस यहाँ से देखिए धागे को इस तरीके से खींच देना है। ये हमने धागा यहाँ से खींच दिया। बस यहाँ पे एक दो बार हम यहाँ पे टक कर देंगे, अच्छे से खींच देंगे जिससे कि यहाँ पे होल ना रह जाए। और अगर आपको लगता है कि पट्टी छोटी है इसकी, क्योंकि ऊन का फर्क होता है, मेजरमेंट तो हम सही बताते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो ऊन यूज कर रहे हैं और आपने जो ऊन यूज करी है उसका थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है उसकी मोटाई का। तो आपको अगर कैप की जैसे बनानी हो पट्टी, तो आप एक काम कर सकते हैं, बनाने के बाद एक रो आप कान्हा जी के सर पे ऐसे हल्का सा लगा के देख सकते हैं गोलाई में कि सही आ रहा है कि नहीं। एक दो चेन आप अपनी मर्जी से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमारा ऊन का ही फर्क होता है। क्योंकि वीडियो में मैं क्या ऊन यूज़ कर रही हूँ बता तो देती हूँ, मैं सिंपल ऊन है जो हमारी नॉर्मल होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऊन में कभी कभी फ़र्क हो जाता है, तो मेज़रमेंट में भी फ़र्क आ जाता है। बाकी मेज़रमेंट हम ठीक से ही बताते हैं जिससे कि आपके कानाजी को भी ड्रेस परफेक्ट फिट आए। तो ये देखिए हमारी कानाजी की कैप बनके रेडी हो गई है, और ये हो गया हमारा जंपसूट कानाजी का। और ये है हमारे दो नंबर के कानाजी, देखिए, और ये है एक नंबर के कानाजी। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है कानाजी में, देखिए ये दो नंबर है और ये एक नंबर है। और ये वो कान्हा जी नहीं है जिनकी हम सेवा करते हैं, ये सिर्फ हमारे पास सेलोने के लिए आते हैं फ्रेंड्स। जिनकी हम सेवा करते हैं उनको तो हम कान्हा जी को ड्रेस पहना के ही नहीं दिखाते हैं,
बहुत कम ड्रेसेस पहना के दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारा जम सूट है, पहनाना कैसे है मैं आपको बता देती हूँ। पहले हमारे को इस तरीके से कान्हा जी के पैर में ये पजामी वाला हिस्सा पहनाना है, फिर ये दूसरा वाला हिस्सा पहनाना है। वीडियो गेम में थोड़ा सा पहनाने में दिक्कत होती है, अगर आप कान्हा जी को गोद में लेके अपने घर में पहनाते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है, आप अच्छे से कान्हा जी को गोद में पकड़ के अच्छे से पहना सकते हैं। लेकिन वीडियो में इस तरीके से दिखाना होता है तो थोड़ा सा हमारा हो जाता है कि सही से नहीं पहना पाते हैं। तो ये देखिए हमारे कान्हा जी को ये बहुत अच्छे से जमसूट जो है आ गया। और ये देखिए हमने यहाँ तक ओपन भी छोड़ा है, लेकिन इतना मतलब हमने बड़ा बनाया थोड़ा सा, जिससे कि कान्हा जी को यहाँ पे बिल्कुल भी खुला ना रहे कान्हा जी हमारे। ये हो गया हमारा जमसूट कान्हा जी का देखिए। और मैं आपको कैप भी बना के पहना के दिखा देती हूँ। कैप थोड़ी सी मैंने लंबाई में बड़ी बनाई है, 3 रो बनाई है डबल क्रोशे की। अगर आप थोड़ी छोटी हेड बनाते हैं तो 2 डबल क्रोशे की रो बना लीजिए और 1 हाफ डबल क्रोशे की, थोड़ी सी इसकी लंबाई कम हो जाएगी। ये कैप जो है 3 नंबर कान्हा जी को भी आ जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे इस तरीके से जम सूट का कान्हा जी का लुक आ रहा है। और ये देखिए कान्हा जी बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर हो गए। ये ड्रेस आप 3 नंबर कान्हा जी को भी पहना सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी उनको फिटिंग में आएगी। इनको बहुत ही अच्छे से लूज भी आ रही है, पहनाने में भी इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फिटिंग में पहनाएंगे तो 3 नंबर कान्हा जी को भी आ जाएगी। और 3 नंबर कान्हा जी को आपको पहनानी है तो जितना हमने यहाँ पे चोली में चेन ली थी उससे आप 2 चेन एक्स्ट्रा कर लीजिए 3 नंबर कान्हा जी की। सेम इसी मेथड से आप बनाएंगे तो 3 नंबर कान्हा जी को आ जाएगी। चोली में स्टार्टिंग में 2 चेन ले लेंगे एक्स्ट्रा जितना मैंने इसमें लिया था, और उसके बाद सेम यही मेथड रखना है, ना कुछ ज़्यादा करना है ना बड़ा। देखिए थोड़ा सा बड़ा सा ही है कान्हा जी को, तो बस यहाँ से अगर 2 चेन आप एक्स्ट्रा करके चलेंगे तो हमारा ये थोड़ा सा और ढीला बन जाएगा और 3 नंबर कान्हा जी को भी बहुत आराम से आ जाएगा। तो ये यहाँ पे 2 नंबर के कान्हा जी को मैंने यहाँ पे पहना दिया है। 1 नंबर कान्हा जी को थोड़ा सा शायद ये बड़ा रहेगा, लेकिन 3 नंबर कान्हा जी को मैंने बताया आपको किस तरीके से इंक्रीज करना है स्टार्टिंग में चेन लेके, तो आप आराम से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।